नूरपुर पुलिस ने पिछले 2 माह में नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर और अक्टूबर महीने में नूरपुर उपमंडल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 9 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 8 पुरुष और 5 महिलाओं को गिरफ्तार करके उन पर मामले दर्ज किए गए हैं। इन लोगों से लगभग 77 ग्राम हीरोइन और 66 ग्राम चरस पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि एक्साइज एक्ट के तहत 24 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1,55,000 मिलीलीटर शराब बरामद की गई। माइनिंग एक्ट के तहत 39 चालान किए गए, जिनमें 2 लाख के करीब जुर्माना वसूला गया। नूरपुर उपमंडल में कोटपा एक्ट के तहत 228 लोगों का चालान काटकर 28,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त एमवी एक्ट के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए 700 से अधिक चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों पर भी पुलिस ने नकेल कसते हुए 24 लोगों के चालान किए हैं और 12,000 की जुर्माना राशि भी वसूली है। डीएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कानून को अपने हाथ में ना लें और जो लोग नशे के कारोबार से जुड़े हैं उनकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। पिछले 2 महीनों में सितंबर और अक्टूबर में नूरपुर सब डिवीजन में हमने एनडीपीएस के तहत 9 केसेस दिए, जिसमें 8 जेंट्स और 5 लेडीज को हमने गिरफ्तार किया। 77.07 ग्राम हीरोइन और 66.45 ग्राम चरस बरामद किए उनसे, और सभी के खिलाफ मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। एक्साइज एक्ट के तहत हमने 24 केसेस दिए हैं, जिसमें 1,55,125 मिलीलीटर शराब जो है वो बरामद करी है। माइनिंग एक्ट में हमने 39 चालान किए हैं, जिसमें 2,81,400 रुपया फाइन किया है वायलेटर्स को। कोटपा एक्ट जो है वो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं लोग, 228 लोगों के चालान करके 18,450 रुपये का फाइन इम्पोज किया उनपे। एमबी एक्ट जो मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हैं, वो 2 महीनों में 749 केसेस करके 2,59,950 रुपये का फाइन किया। पॉलीथीन के इस्तेमाल पे 24 चालान करके हमने 12,000 रुपये फाइन किया है, और यही क्रम जो है हम आगे भी जारी रखेंगे। लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से अपील है कि जो जो भी कानून है उसको अपने हाथ में ना लें, कानून को तोड़े ना। एनडीपीएस जो नशा है उसके जो भी सूचना हो वो मुझे बताएं, मेरे मोबाइल नंबर्स पे बताएं कभी भी किसी भी समय। और जो मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना करते हैं माइनर्स, उनको बाइक्स ना लें, पेरेंट्स ट्रिपल राइडिंग ना करें, पुलिस का सहयोग करें, पुलिस आपकी सहायता के लिए है। आप पुलिस के का सहयोग करें ताकि इलाके में शांति बनी रहे। सर, खासकर युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश, क्योंकि युवा पीढ़ी जीवन नशे में गिरते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि नशों से दूर रहें, 1 घंटा 2 घंटे अपना जिम जाएं, अपना वॉक करें, अपनी सेहत बॉडी बनाने की तरफ ध्यान दें, अपना कैरियर ओरिएंटेशन करें, अपने फ्यूचर बनाए। अगर वो कैरियर ओरिएंटेड रहेंगे, अपने फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, तो नशों से अपने आप दूर हो जाएंगे।